हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक। ब्लैंक में आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी। इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। आपको स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट दोनों ही बतानी, दोनों केस में ए पार्ट और बी पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो 3 से डिविजिबल नंबर होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। जो गिवन नंबर होता है उसका सम करने पर, सम में अगर 3 का डिवाइड चला जाए तो 3 से डिविजिबल होता है। तो पहले हम इन गिवन नंबर को सम करते हैं। 6 + 7 + 2 + 4 ए पार्ट डिस्कस करेंगे। 6 + 7 + 2 + 4 6 + 7 13 13 + 2 15 15 + 4 99 जो गिवन डिजिट है उसका सम 19 आ रहा है। अब उसमें मिनिमम कौन सा नंबर प्लस करें कि वो 3 से डिविजिबल हो। अब 3 से डिविजिबल 19 के बाद कौन सा नंबर आता है? 21। इट मीन्स इसमें 2 की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम नंबर हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, इसमें 2 प्लस करना होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारे पास आ जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर 19 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 21, विच इज डिविजिबल बाय 3। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। तो नंबर हमारे पास कौन सा बनेगा? 2, 6, 7, 2, 4। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए 19 हमारे पास इसका सम करने पर आया था, गिवन डिजिट का सम करने पर 19 आया था हमारे पास। अब 19 में मैक्सिमम नंबर हम कितना प्लस कर सकते हैं कि उसकी रेंज, अगर 19 में 9 प्लस करें तो 28, तो थोड़ा कम करना होगा 8। 19 में प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ग्रेटेस्ट हमारे पास, देखिए स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास, अब ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें हमारे पास, तो 6 + 7 + 2 + 4 कौन सा प्लस नंबर करना होगा हमें? मैक्सिमम 8। जब 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 19 + 8 = 27, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें 8 प्लस करना होगा, तो 8 नंबर बनते ही हमारे पास हो जाएगा ये नंबर, गिवन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 8, 8, 6, 7, 2, 4 ये हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो ये बनेगा और ग्रेटेस्ट नंबर ये बनेगा, दैट इज ऐसे बी पार्ट को करना है हमें। 4, 7, 6, 5 ब्लैंक्स में आपने बताना कौन से डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों। देखिए गिवन डिजिट का पहले सम करेंगे हम, 4 + 7 + 6 + 5 + 2 7 + 4 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 5 = 22, 22 + 2 = 24 24 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें तो कोई मिनिमम नंबर ऐड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारे पास, तो मिनिमम नंबर होगा हमारे पास 0। हम क्या प्लस कर सकते हैं इसमें? 0 दोनों साइड। तो ये यहाँ पर जो गिवन नंबर आएगा इसमें कौन सा नंबर आएगा? 0 नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 0, क्योंकि 24 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आंसर आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 और नंबर बनेगा हमारा 4, 7, 6, 5, 0, 2। ये तो स्मॉलेस्ट नंबर का हो गया। अब ग्रेटेस्ट की बात करें, 24 में मैक्सिमम नंबर हम 9 प्लस कर सकते हैं। 24 + 9 = 33 तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर, इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 प्लस करने पर 33 आएगा हमारे पास। 24 + 9 हमारे पास हो गया 33 और 33 इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर कौन सा बना हमारे पास? 4, 7, 6, 5, 9, 2 ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास।
आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, गिवन टू नंबर्स हमारे पास। अब वैसे सिंपल मल्टीपल को अगर डिफाइन करें तो गिवन नंबर का अगर मल्टीपल्स फाइंड करना है तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे 7 के मल्टीपल्स फाइंड करने तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, 7 बन जाए 7, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स में 2 नंबर्स हमारे पास होंगे और उनमें कॉमन हमें मल्टीपल्स फाइंड करने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमन मल्टीपल में 45 एंड 30 की बात करें, 45 एंड 30 टू नंबर्स है। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करने, तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 45 का फाइंड करने के लिए 45 बन जा 45, फिर 2 जा 90, 3 जा 135 एंड 45 4 जा 180 एंड सो। ऐसे 30 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, 30 बन जा 30, 32 जा 60, 3 जा 90, 4 जा 120, 5 जा 150 एंड सो। अब कॉमन मल्टीपल्स में देखिए कॉमन जो नंबर है हमारे पास, देखिए दोनों में कॉमन नंबर 99, और भी आ सकते हैं हमारे पास आगे। जैसे हम ये राइट करेंगे 30 तो ये 180, तो 180 भी कॉमन हो सकता है। अगर आप आगे डिजिट राइट करोगे तो वो भी कॉमन आ भी सकती है आगे। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होगी, कॉमन मल्टीपल्स दो नंबरों की कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास हो गए 90, 180 एंड सो। चलता रहेगा प्रोसेस। ऐसे बात करेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल 7 एंड 16 के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने, तो 7 और 16 के सबसे पहले फैक्टर हमें फाइंड करने होंगे। 7 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 7, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना आपको आता है, 7 को 7 से करेंगे 1, तो 7 के फैक्टर 1 और 7 ये 1.7 फैक्टर ऑफ 7। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 16 हमें फाइंड करना होगा, फैक्टर ऑफ 16 इट मींस 16, जैसे हमने 7 के फैक्टर फाइंड किए थे 7 कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल है, 1 से और खुद 7 से। ऐसे 16 के अगर फैक्टर हमें फाइंड करने तो 16 कौन कौन से डिजिट से डिविजिबल है, आप ऐसे भी ट्रिक से भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 2 से 8 4 2 2 1 राइट बी टू। तो हम जब तक डिवाइड करते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जब तक 1 नहीं आए। तो 16 किस किस से डिविजिबल है, 1 से तो है, 2 से एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से, 2 2 2 जा 4, 4 से हो गया, 4 2 जा 8, 8 से हो गया एंड 4 8 2 जा 16, खुद 16 से हो गया। तो 16 के फैक्टर हमारे पास 1 2 4 8 6 16। अब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर 7 और 16 में कॉमन फैक्टर हमारे पास कॉमन डिजिट देखिए कौन सी, ओनली 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 16 इज 1, ओनली क्या होगा 1, 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसका आंसर 1 होगा।